हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल नीलम डॉट काव्या 19 और गुड मॉर्निंग। ये हमारे यहाँ बुआ की लड़की रहती है प्रियंका और ये हम यहाँ आ गए हैं। गांव है ये ढाना और यहाँ पर ये इनके घर के पास ये कटहल का पेड़ है और इस पे देखो कटहल लग भी रही है, ये लग रही है और इस पे एक मधुमक्खी का छत्ता है बहुत बड़ा। हाँ, ये देख रही मैडम बड़े ध्यान से। और ये हम आ गए हैं अपनी बुआ जी की लड़की के घर, ससुराल में उनकी। अरे है कोई हैंगे सब? चलो। ये हमारी बुआ जी की लड़की, बहुत ही सज्जन, बहुत ही सुशील, बहुत ही कमेरी। और ये 11:30 बज रहे हैं और ये बेचारी देखो अब रोटी बना रही है। ठीक है प्रियंका, ठीक है? ये हैं बुआ जी की लड़की और ये हैं इनके दोनों बच्चे। ये इसने मुझे देखा है, कहाँ देखा है बताओ? यूट्यूब पे देखता है ये मुझे, वैसे नहीं देखा। यहाँ से अब हम जा रहे हैं इन्हीं के घर, यानी बुआ जी के घर। अचानक से प्लान बना दिया सर जी ने। और ये इन्होंने, दीदी ने नया घर बनाया है। हम लोग यहीं पे गाड़ी खड़ी करके गए थे। पुराने घर में भी रहती है, नए में भी रहना शुरू नहीं किया। यहाँ सब अपने अपने नए घर बना रहे हैं। ये देखो ये नया घर बनाया है। दीदी आ रही है, अभी सर्दी गाड़ी निकाल के ला रहे हैं और अचानक से ऐसे प्लान बना रहे थे घूमने का, पता भी नहीं चलता बुआ के घर चलना। हाँ ये देखो ये क्या, थोड़ी देरी रुके हम लोग यहाँ पे, अचानक से ये सर्दी ऐसे दीदी मतलब ऐसे प्लान बनाते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता। सब इनके मतलब अचानक से प्लान बनते। और ये सब हमें छोड़ने आए हो और ये हमारे सर जी ऐसे अचानक से प्लान बना के कह देते हैं चलो वहाँ चल रहे हैं। हाँ। फिर समय मिला ना मिला बच्चों के साथ में, इसीलिए घूमे घूमे जाओ और कहते मैं थक गया मैं ये वो, कोई बात। और ये ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा गर्मी में राहत हाँ। मिलेगी पूरी। पहले घूंट पी लूँ मैं, मुझे बहुत जोर से प्यास भी लग रही है। ये बहुत अच्छा काम होता है क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। सबके लिए भी आ गया है और ये दीदी भी पी रही है। अच्छा बनना अच्छा है। और लोगी? नहीं हाँ ले लो, पी लो, मैं तो पीऊंगा। और पियेंगे सर जी तो। काव्य भी पिएगी सर जी, हमें भी लग रहा है। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है पीने में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा है। ये तो यहाँ गई सर जी को इतना अच्छा लगा है, सर जी ने बोतल में भरवा लिया है। ये बेईमानी है सर जी, पी भी लिया और बर्बाद भी लिया। तीसरा गिलास पी रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी को। दीदी देखो बोतल निकाली, दीदी देखो बोतल में भी भरवा लिया। हाँ सही है, घुमाते रोज ही है सर जी। हाँ बहुत घुमाएंगे आज, आज ना रोज घुमा रहे हो। चलो कितना घुमाओगे। ये आ गया है बुआ जी का घर। ये हमारी छोटी बुआ जी का घर है और हम यहाँ आज जब से ये नए मकान में आए हैं हम पहली बार आए हैं। फूफा जी नमस्ते। बनाने और ये आ गया है हमारा नाश्ता। बुआ ने मना करते करते हम लोग खाना खा के आए थे तभी बुआ ने ये सब मंगा लिया। बुआ बता रही थी कि यदि तुम लोग खा के नहीं जाओगे तो मुझे 8 दिन तक टेंशन हो जाएगी कि मेरे बच्चे खा के नहीं गए, तभी जबरदस्ती बुआ ने मंगा लिया। और ये है बुआ की लड़की सोनी। हाय। और ये है नाम तो विवेक, विवेक नाम है। और ये है हमारी बुआ, छोटी बुआ, छोटी बुआ, सबसे छोटी बुआ। बाकी ये हमारी डॉली बैठी है, इंतजार कर रही है नाश्ता खाने का। और ये वेट कर रहे हैं दोनों बहन भाई बैठ के। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी काव्या तो बहुत देर से कह रही है मम्मा खिला दो, पापा खिला दो। और हमने यहाँ पे अब बहुत सारी बातें कर ली, हम लोग छत पे भी आ गए थे, अब हम जा रहे हैं। मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दिन में। चलिए सर जी चलो चलो काव्या चलो दीदी चलो। ये हमारे फूफा जी हैं सबसे छोटे और ये हमारी बुआ। चलो भाई अब तुम आइयो भाई किसी दिन, ठीक है? हाँ अब यार चले चलो बाय कर लो, नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ दे। बड़ी हो जा जल्दी जल्दी।
बाबा से भी बाबा से भी नमस्ते करो। बुआ के घर से वापस आ गए हैं और दीदी ने बनाए दही बड़े, ये देखो बहुत टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी हैं, खाओ। जैसा कि शाम का समय है और हमारी बड़ी दीदी ने चूल्हे में आग जला दी है और भुट्टे गरम गरम भुट्टे भून रही है और सब बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे भैया जी से आ गए हैं और लाइट आ गई है और कूलर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, और बच्चे भी अपना पूरा मनोरंजन कुछ मोबाइलों में और कुछ खेल गए। अब जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा जाने का मेरा, यहाँ बहुत मन लगता है, मैं पहले भी गई, मैं आधे सब अब विदा करने के लिए बैठे हैं, आधे तो जाने वाले ही हैं। टिल्लू जा रहा है, गुड्डन, मोना बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जैसा कि हापुड़, और वहाँ पे हो गया था अंधेरा इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई थी आपको, लेकिन वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, वहाँ कई दिन रुकना अच्छा लगता है, वहाँ भी सबको अच्छा नहीं लग रहा था। और सर जी ले आए सामान, सर जी आने का मन नहीं कर रहा था, हाँ सोने का मन कर रहा था, लेकिन लकड़ी के बच्चे भी मेरे साथ आए, सब सो गए हैं। ये काव्या सो गई है, रास्ते में ही सो गई थी, टाइम हुआ है 10:17, हम लोग देर से ही आए हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, ओके बाय, गुड नाइट।